हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग यार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। ओके, तो आज हमारे 75 आरटी चैलेंज का 53वां दिन है और आज हमारा लास्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, दैट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, संभावना, इन सभी के आप कह सकते हो ना, इज अ सिमिलर नाम है इसके, ठीक है। और ये हमारे पूरे 10th क्लास के सिलेबस का आखिरी चैप्टर है सर। इसके बाद तो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। चले, तो आज ये आखिरी चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द लास्ट लेसन, ठीक है। आखिरी चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, द लास्ट चैप्टर। तो फटाफट से पेन और कॉपी निकाल लो, एनसीईआरटी निकाल लो। मेरे हिसाब से सभी ने प्रोबेबिलिटी पढ़ ली होगी। प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है जो स्कूल वगैरह में शायद पहले ही पढ़ा दिया जाता है, और मतलब आसान होने की वजह से बच्चे से जल्दी कर भी लेते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रोबेबिलिटी जो है इसका वेटेज 14 मार्क्स का होता है, स्टैटिस्टिक्स 16 और ये 14, टोटल कितना हो गया 30 मार्क्स। काफी है ना पास होने के लिए यार, ठीक है। क्या करोगे, 99 लाख यार, उसमें तीन लड़के पास हो जाएंगे, 33 लाख है, इतना नंबर जरूरत नहीं है। तुम जब 27 पासिंग है सर, देखो 27 मार्क्स पासिंग होता है, ठीक है, 27 28, तो आप जो है 30 नंबर भी लेके अगर आ जाते हो, अगर आप उस सिचुएशन में हैं, अगर आपकी अवस्था ऐसी हो रखी है कि आप बिना इसके पास नहीं हो सकते है ना, तो वैसी अवस्था में आपको जो है स्टेट्स और प्रोबेबिलिटी ही करनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो अपन प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं यार, ठीक है। तो फटाफट से एडिंग लगाना प्रोबेबिलिटी। देखो, अब प्रोबेबिलिटी का सरल भाषा मतलब होता है सर संभावना। अब इसके अंदर आपको जो है कुछ एक मॉडल्स बताऊंगा, मॉडल्स अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी होगी। सबसे पहले देखो, हम पढ़ेंगे मॉडल वन। अब ये पहला मॉडल क्या है, ये कॉइन बेस्ड। अब कॉइन बेस्ड में क्या होता है, आपको सिक्का उछाला जाएगा और सिक्का उछाल के आपको बताना है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। अब देखो, सिक्का आप एक उछाल सकते हो ना, 1 पॉइंट। अगर आपने एक सिक्का उछाला तो उस केस में दो पॉसिबिलिटी, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दो में से कोई एक। और इस चीज में प्रोबेबिलिटी, मान लो अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी जाती है तो आपको लिखना होगा पी ऑफ एच इज इक्वल टू हेड, कितनी बार आ रहा है, एक बार, और टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है, दो, तो 1/2 आ जाएगा। आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल निकालना है तो पी ऑफ टी करके लिखो 1/2। क्यों? क्योंकि टोटल तो दो पॉसिबिलिटी है। क्या हेड और टेल के अलावा कुछ आ सकता है? कभी नहीं आ सकता, लेकिन दो में से कोई एक चाहिए हमें, दैट इज टेल। तो ऐसे आप इसमें प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे जब एक सिक्का उछाला जाए। बात करते हैं अगर दो सिक्के उछाला जाए, टू कॉइंस की, अगर हमने दो सिक्का उछाला, उस केस में देखो हेड टेल आ सकता है ना, या तो ये एक काम करो ना, ऐसा रखो, हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, या फिर टेल टेल आ सकता है। देखो, आ गया ना इसमें इतनी वैरायटी, दो सिक्के उछाले आपने, इतनी वैरायटी आ गई, चार पॉसिबिलिटी बन गई। अब देखो इसमें सवाल कैसे कैसे बन सकते हैं, सवाल देखो इसमें क्या क्या बन सकते हैं। इसमें सवाल बन सकता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड। आपको देखो, मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, आपको लिख लेना होगा ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड, है ना। तो दो हेड कितनी बार आ रहा है, देखो चार में से सिर्फ एक बार आ रहा है, तो दो हेड गए ना, टू हेड की प्रोबेबिलिटी देखो 1/4 आ जाएगी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू टेल, वो भी 1/4 आ जाएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड, देखो वन हेड अगर बोला जाए तो एक हेड देखो इसमें आ रहा है, एक हेड इसमें आ रहा है, तो दो दो हो गए ना, एक हेड आने की दो संभावना, यानी 2/4, टोटल तो चार है, 2/4 का तुम्हारा आंसर आ जाएगा वैसे, ठीक है। अब इसमें एक वैरायटी और आती है, एटलीस्ट वन हेड वाला, है ना। आपको बोला कि कम से कम एक हेड होना चाहिए, एक से कम नहीं, तो कम से कम एक हेड होना चाहिए, मतलब आपको वो चीजें चलेंगी जिसमें हेड है। एटलीस्ट मतलब क्या हुआ, कम से कम एक होना चाहिए, अगर एक भी नहीं होगा तो आपका काम नहीं चलेगा। मतलब देखो, एक हेड इसमें भी है, एक हेड इसमें भी है, इसमें दो दो है, कोई दिक्कत नहीं ना, एक कम से कम चाहिए, अगर एक से ज्यादा हो तो दिक्कत नहीं है। मतलब ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, टोटल तीन है, इसमें एक भी हेड नहीं है, मतलब ये नहीं चलेगा, कम से कम एक तो चाहिए ना, इसमें एक भी नहीं है, तो इसको छोड़ के बाकी तीनों चल जाएंगे, तो इस केस में आपका आंसर आ जाएगा 3/4। किसका आंसर है ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। अच्छा, अगर मान लो बोला जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड, उसका आंसर भी 3/4 आएगा। कैसे, एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए, एक से ज्यादा हेड नहीं हो सकता। तो एक से ज्यादा हेड किसमें है, देखो एक से ज्यादा हेड तो इसमें है ना सिर्फ, तो तुम इसको छोड़ दो। अब बच्चे डाउट करते हैं, सर ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो मतलब ये वाला तो सर नहीं आएगा टेल टेल, देखो ये आएगा। क्यों, जब भी आपको ना ज्यादा से ज्यादा मतलब ज्यादा से ज्यादा एक, एक से ज्यादा नहीं होगा। इस बात को समझने के लिए आप एक एग्जाम्पल लो, मान लो आपके घर पे ना आपकी मम्मी दिवाली की साफ सफाई कर रही है, आपसे काम करवा रही है ना, तो सब भी करवाती है ना, मैंने भी करा है। मान लो तुम्हें ऐसा बोल दिया कि तुम्हें जो है कपड़े धोने, बर्तन धोने, ठीक है, दो दिन काम दे दिए, पोछा भी मार रहा है तुम्हें ना, तो तुमने जो है ऐसे रिप्लाई किया कि मैं ज्यादा से ज्यादा एक काम करूंगा, कोई भी एक काम, उससे ज्यादा नहीं कर सकता मैं, मेरे को बाहर जाना है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा तुम एक कर सकते हो, एक से ज्यादा करोगे क्या, नहीं। लेकिन अगर एक से कम हो, मान लो मम्मी ने खुश होकर बोल दिया ठीक है एक काम कर, तू मत कर जा, तो तुम्हें कोई दिक्कत है? क्यों दिक्कत होगी भाई, मैंने कहा था ज्यादा से ज्यादा मैं एक करूंगा, एक से ज्यादा नहीं कर सकता। हाँ, अगर वो एक भी मेरे को काम ना करना पड़े तो अच्छा है ना,
तो वही बात है, अगर ज्यादा से ज्यादा इसमें बोला एटमोस्ट वन हेड, मतलब ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक से ज्यादा है इसमें, इसलिए ये कट हो जाएगा, और बाकी इसमें तो हेड है ही नहीं, ये तो बिल्कुल चलेगा। तो ये तीनों आ जाएंगे, टोटल चार में से तीन, तो 3/4 एटलीस्ट वन हेड का भी आंसर आपका 3/4 आएगा, एटलीस्ट एटमोस्ट का भी आपका आंसर 3/4 ही आएगा। क्लियर हो गया मेरी बात है? अब दो सिक्के के बाद आता है आपका तीन सिक्का, थ्री कॉइन्स। अब तीन कॉइन्स में क्या होता है सर, देखो हेड हेड हेड। अब एक काम करो, एक एक टेल जो है घुसाना स्टार्ट करो, यहाँ पे एक टेल रखो, अब इसको दे दे अंदर, जो अंदर की तरफ करते रहो आप ना, तो हेड यहाँ पे क्या जाएगा टेल, और यहाँ पे आ जाएगा हेड। अब इस टेल को इस साइड शिफ्ट कर दो, टेल हेड हेड। अब अगला क्या करना आपको, अब लिख लो आप टेल टेल टेल। अब क्या करो, अब हेड लेके आ जाओ, तो टेल टेल एक हेड आ गया। अब इस हेड की जगह चेंज कर दो, अब इसको इधर लेके आ जाओ, टेल हेड टेल, और फिर हेड इधर कर दो, हेड टेल टेल। कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पॉसिबिलिटी बन गई सर, 8, जो कि 2 का पावर 3 है। इसमें पॉसिबिलिटी कितनी बनी थी, 4, ये कितना है, ये 2 का पावर 2 है। इसमें कितनी पॉसिबिलिटी बनी थी, 2, ये कितना है, 2 का पावर 1 है। इन शॉर्ट जितने सिक्के उछालोगे 2 के पावर उतनी पॉसिबिलिटी हो जाएगी। 4 सिक्के उछाले तो 2 का पावर 4 पॉसिबल निकलेगा, 5 सिक्के उछाले तो 2 के पावर 5, समझ में आया? अगर तो ये बात आपको ध्यान रखना है ना, जितने सिक्के उछाले 2 का पावर, अगर मैंने n सिक्के उछाले तो कितनी पॉसिबिलिटी आएगी, 2 का पावर n, ध्यान रखना चाहिए। ये फॉर्मूला बेस्ड आप इसको याद कर सकते हैं। हाँ, इस पे भी तुम्हें सवाल पूछेंगे, लेकिन इस पे चांसेस बहुत कम है, आप जो है 1 सिक्का 2 सिक्के तक ही रहे। इसके बाद देखो जो आपका अगला सवाल आता है, आपका मॉडल 2 आपका आ जाएगा, सेकेंड मॉडल आपका, सेकेंड मॉडल क्या आ जाएगा, वो डाइस बेस्ड प्रॉब्लम है ना, डाइस बेस्ड प्रॉब्लम। अब इसमें भी सेम चीज आएगा, पहला तो आपको देंगे एक डाई, सिंगल डाई है ना। अब डाई और डाइस में बच्चे कंफ्यूज, देखो डाई जो होता है वो सिंगुलर फॉर्म होता है, और डाइस जो होता है वो प्लूरल फॉर्म होता है। बात समझ में आई, डाई डी आई ई का मतलब क्या हुआ, सिंगुलर, एक डाई, और अगर डाइस लिखा है मतलब दो दो डाइस है उसमें, दो दो डाई है। क्लियर हो गई बात है? तो एक डाई अगर आपने उछाला तो क्या आएगा, या तो एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, पांच आएगा, छह। अब लूडो वाला जो गोटी होता है उसी को अपन डाई कहते हैं। अब उसके अंदर 1 से लेके 6 क्या पॉसिबल है कि मैं लूडो की गोटी फेंकूं ऐसे, ठीक है, और उसमें 7 निकल जाए, नहीं हो सकता भाई, उसमें हाईएस्ट नंबर ही 6 होता है, 7 कहां से आ जाएगा, और 0 भी नहीं आ सकता, तो उसमें यही 6 चांसेस निकलेंगे। अब देखो इसमें सवाल कैसे बने, किसी ने आपसे बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 आने के क्या चांसेस है, तो भैया 1 आने के चांसेस, 1 कितनी बार आ रहा है, एक बार, तो 1/6 टोटल 6 है। अब किसी ने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 तो कितना आ जाएगा, 2/6, सही है, नहीं गलत है ये, क्यों, 2/6 नहीं आएगा, देखो 2 एक नंबर है, ये 2 कितनी बार आ रहा है, एक सिर्फ एक बार ही आ रहा है ना, 1 से लेके 6 में 2 तो एक बार आ रहा है, तो इसलिए 1/6 ही होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अगर 3 भी हो जाए ना, तो 3 देखो एक नंबर है, ये 3 कितनी बार आ रहा है, 6 में से सिर्फ एक बार, तो ये भी आपका 1/3। इन शॉर्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4, गेटिंग 5, गेटिंग 6 सबका आंसर कितना आ जाएगा, सभी का आंसर आएगा आपका 1/6, 1/6 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? अब मान लो एक की जगह 2 डाइस आपको दिया जाए, डाइस कर दिया जाए, 2 डाइस है ना, उस केस में आप कैसे बताओगे? तो देखो उस केस में आपको क्या होता है, देखो ये टेबल ध्यान रखना, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 है ना, 1/5 और 1/6। अब ये क्या है सर, हो सकता है कि पहले वाले की डाइस में ना, ये टेबल पर मैं बना देता हूँ, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, ये टेबल सभी को आता होगा मेरे हिसाब से, 2/5, 2/6, फिर क्या हो जाएगा सर, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6। अब मुझे आप ये बताओ फटाफट से कि इसमें जो है टोटल कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी, अगर मैं 2 सिक्के उछाल, 2 डाइस थ्रो करूंगा, तो 4/3, 4/4, 4/5, 4/6 एंड लास्ट लाइन अपनी होगी 6 वाली, 5/1, 5/2, 5/3, बहुत ज़्यादा नहीं है, लास्ट लाइन इसके बाद है ना, 5/3, 5/4, 5/5, और ये क्या आ जाएगा, 5/6 एंड लास्टली आपका हो जाएगा 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5 और 6/6, ये हो गई टोटल पॉसिबिलिटी। अब ये क्या है सर, देखो हो सकता है कि पहले वाली डाइस में 1 आए, दूसरे में 1 आ सकता है, 1 के साथ 2 आ सकता है, 1 से 3 आ सकता है, 1 से 6 के 6 आ सकते हैं, फिर 2 के साथ में 6 के 6 आ सकते हैं, 3 के साथ में भी 6 के 6 आ सकते हैं, 6 इधर 6 इधर 6 6 36 पॉसिबिलिटी बनेगी। अब इसमें सवाल क्या पूछते हैं, आप ध्यान सुनना, इसमें सवाल आपसे ये पूछ लिया जाता है कि आप बताइए कि जब 2 डाइस को मैंने थ्रो किया तो मेरा जो स्कोर है, क्या चांसेस है कि स्कोर 7 आ जाए, क्या चांस है कि स्कोर 10 आ जाए, क्या चांस है कि स्कोर 11 आ जाए, है ना, क्या चांस है कि हमारा स्कोर 9 आ जाए, तो 9 कब होगा, 6/3 हो जाए, 4/5 आ जाए, है ना, मतलब दोनों डाइस को जोड़ने पे 9 आ जाए, क्वेश्चन का मतलब ये होता है।
तो उसमें आपको काउंटिंग कैसे कर, देखो उसका आसान एकदम शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ क्या करना है आपको। देखो इस वाले लाइन में आप आओगे, इनको जोड़ने पे दो आएगा, इस लाइन को आप जोड़ोगे तो इसको जोड़ने पे तीन आएगा, इससे अगर आपने जोड़ा तो ये चार आ जाएगा, इसे अगर आप जोड़ोगे तो आपका आंसर फाइव आएगा, अगर आप इस लाइन में जोड़ोगे तो आपका आंसर सिक्स आएगा। देख लो सभी को जोड़ के, देख लो सिक्स आएगा, इस लाइन के सभी को जोड़ने पे आंसर सेवन आएगा, इस लाइन में सभी को जोड़ोगे तो एट आ जाएगा, और ये वाली जो लाइन है ये आपको नाइन देगी, और ये वाली लाइन आपको टेन देगी, और ये लाइन आपको इलेवन, और ये लाइन आपको ट्वेल्व। अगर किसी ने आपको बोल दिया कि क्या ये पॉसिबल है कि दो डाइस मैंने फेंके और दोनों का जोड़ने पे तेरह आ जाए, नहीं हो सकता ना भाई, मैक्सिमम एक डाइस पे छह होता है, दूसरे पे छह, छह और छह कितना आया बारह, बारह जाए तो आप स्कोर कर ही नहीं सकते, समझे, तो तेरह नहीं आ सकता। वैसे इवेंट को हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं, ध्यान रखना, कुछ इवेंट के बारे में भी आपके लिए जानना जरूरी है। देखो कुछ इवेंट एक आता है जो आपको जानना जरूरी है, एक होता है श्योर इवेंट, श्योर इवेंट, या फिर इसे सर्टेन इवेंट भी कहते हैं। अब ये क्या है, एक ऐसा इवेंट होता है जो फिक्स है कि होगा ही होगा, जो फिक्स है कि होगा उसका, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा वन आएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा वन आएगी, ये बात ध्यान रखें, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी। ऐसे में ना हमेशा यूनिवर्सल ट्रुथ लेते हैं, जैसे सूरज, सूरज जो है पूर्व दिशा से निकलेगा, है ना, क्या चांसेस है, वन फिक्स्ड है, सूरज जो है वेस्ट पश्चिम दिशा में ढलेगा हमेशा, भाई सच है। हमारे टाइम पे क्वेश्चन आया था, द वन हु टेक्स बर्थ विल डाई, देखो रिपीट कर रहा हूं, द वन हु टेक्स बर्थ विल डाई, मतलब जिसने जन्म लिया वो मरेगा, सच्चाई है, सत्य ही है ना, इसकी क्या चांसेस है कि जिसने जन्म लिया वो मरेगा, भाई 110% श्योर है, वन आएगा इसका चांसेस, समझे, तो इसे कहते हैं श्योर इवेंट, सर्टेन इवेंट। फिर एक आता है इम्पॉसिबल इवेंट, ये क्या होता है सर, देखो इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब ऐसा हो जाता है, इम्पॉसिबल इवेंट जो कभी मुमकिन ही ना हो, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि सूरज जो है पश्चिम से निकल जाए, इम्पॉसिबल, जीरो लिख देना उसका आंसर, तुम पेपर लिख रहे हो, तुम्हारे पास पेपर दिया है 80 मार्क्स का, मैंने उसमें बोल दिया है ना, तुम्हें ये बात बोल दी कि क्या चांस है कि 80 में से तुम जो है 80 नंबर का ही पेपर है, क्या चांस है कि तुम उसमें से 100 लेके आ जाओ, भाई 80 मार्क्स का पेपर है 100 कहां से आएंगे, 100 मार्क्स का पेपर है तुम 101 लेके आ जाओ, नहीं ला सकते, इम्पॉसिबल बात है ये, ठीक है, तो ऐसी चीजों को हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, है ना, और उस पे उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, जीरो। श्योर की प्रोबेबिलिटी याद रखना हमेशा वन आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो आएगी, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, ये कुछ इवेंट होते हैं। एक और काम की बात है, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो जीरो से लेके वन के बीच में ही होती है, मतलब जीरो के इक्वल हो सकती है, वन के इक्वल हो सकती है, जीरो से छोटी मतलब माइनस में प्रोबेबिलिटी कभी नहीं आएगी, और वन से बड़ी भी कभी नहीं आती, ये बात भी ध्यान रखना, क्लियर आ गया। चलो एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, पी ऑफ ई अगर कोई इवेंट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होगा पी ऑफ ई बार, और दोनों को जोड़ने पे आंसर आएगा वन। अब ये क्या बवासीर है, चलो इसको समझते हैं, पर ये क्या है, जैसे मान लो मैंने कहा कि तुम्हारे एग्जाम में पास होने की संभावना 70% है, तो ऑटोमेटिकली ये बात समझ में आएगी कि तुम्हारे पास होने की संभावना अगर 70% है तो 30% चांस है कि तुम पास नहीं होंगे, बात समझ में आ रही क्या। अगर मैंने कहा कि 99% मैं श्योर हूं, मुझे तुम पे मान लो बहुत भरोसा है कि तुम पास हो जाओगे, ठीक है, तुम फेल हो जाओगे, नहीं पास हो जाओगे ऐसा, ठीक है, तो कितने परसेंट चांस है कि तुम फेल हो जाओगे, 1% ना, ये ऑटोमेटिक समझ में आता है। तो किसी ने आपको ऐसे बोल दिया कि इस चीज की अगर होने के चांसेस, जैसे मैंने कहा कि प्रोबेबिलिटी अगर होने के चांसेस जो है 0.7 है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 0.3, मतलब इन शॉर्ट आपको इन दोनों को जोड़ने पर वन लाना है। मान लो सवाल ऐसे आ गया कि पी ऑफ ई इज इक्वल टू 0.95, तो फिक्स है कि पी ऑफ ई बार जो होगा वो 0.05 होगा, क्योंकि इनको जोड़ने पे देखो वन आना चाहिए, है ना, इनको जोड़ने पे देखो वन आ जाए, 0.95 जोड़ो आप तो ये 100 हो जाएगा, 100 में वन इधर आ जाएगा, दो जीरो इधर आ जाएंगे, तो 1.00 यानी हो गया वन, आ गया आंसर। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर टू डिजिट में है तो आपको इसको 100 बनाना, 95 को 100 बनाने के लिए 5 जोड़, ठीक है। अगर मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसा आपके सामने दे दिया जाए कि पी ऑफ ई जो है वो 0.998 है, तो पी ऑफ ई बार बताने में हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कितना हो जाएगा 0.002, तभी तो ये 1000 होगा, ट्रिपल वन इधर आ जाएगा, बात खत्म। अब इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं आपको, थर्ड मॉडल तो मैं अभी बता ही रहा हूँ, इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं ना बड़े काम के सवाल आते हैं। मान लो फ्रैक्शन दे दिया गया, ये चीज की होने की संभावना जो है 4/11 है, तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगी, इसकी संभावना कितनी आएगी। अब देखो ये चीज बच्चे इसमें कैलकुलेशन करते हैं, आप ऐसे कर सकते हो ना, आप फॉर्मूले में रख सकते हो, देखो फॉर्मूले में क्या रख सकते हो आप, आपने पढ़ा है ना फॉर्मूला, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार इज इक्वल टू वन, यहाँ पे अगर तुम 4/11 रखो प्लस पी ऑफ ई बार इज इक्वल टू वन करो, अभी 4/11 को तुम इधर लेके आ जाओ, तो
पी ऑफ ई बार इज इक्वल टू 1 - 4/11 और तुम यहां से एलसीएम लेके इसको माइनस करो तुम्हें मिल जाएगा 7/11। ये आंसर मिल जाएगा, बट मैं तुम्हें बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक क्या करना है तुम्हें। देखो ध्यान से, तुम्हें पता तो है कि जोड़ने पर 1 आना चाहिए। 1 कब आएगा? जब ये 11/11 11/11 1 आता है ना, ये 4/11 है, 4 को 11 बनाने के लिए क्या चाहिए भाई? क्लियर बात है, 7 चाहिए 7/11। देखो 4 + 7 11/11 आगे आंसर बना जाएगा। ऐसे सोचो ना, जैसे अब देखो तुम्हें समझ में आ जाएगा। इसका आंसर मुझे बताना, पी ऑफ ई अगर मान लो 3/8 है तो पी ऑफ ई बार ये कितना आ जाएगा? ये आपका श्योरली आ जाएगा 5/8। ऐसे आपको जवाब देना है। बात समझ में आ गई क्या? ये भी ध्यान रखना। एक और स्टेटमेंट ध्यान रखना कि सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट इज इक्वल टू 1। ये बात भी हमेशा ध्यान रखना, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट इज इक्वल टू 1। इतनी चीजें मैंने तुम्हें बता दी। अब एक नेक्स्ट मॉडल पर हम बात करते हैं, एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन है ना, एग्जाम प्रॉब्लम। मॉडल 3 कर दो आप इसे, मॉडल 3 एग्जाम बेस्ड। अब इसमें देखो सवाल कैसे आते हैं, तुम्हें ऐसे बोल देंगे कि जो पेपर तुम्हारे हाथ में है, जो कि 80 मार्क्स का पेपर होगा, क्या चांसेस है कि तुम 79 लेके आ जाओ? तो बच्चे सोचते हैं कि 79/80, जैसे मान लो कि पेपर जो है पेपर 80 मार्क्स का है, तो 79 आने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 79 मार्क्स, तो बच्चे करते हैं 79/80। गलत होता है, क्यों? क्योंकि आप 79 ये ऐसे मत करो 79, आप ये देखो 1 से लेके 80 में 79 कितनी बार आता है? सिर्फ एक बार आता है, आता एक बार है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1/80। सही है? नहीं, ये भी गलत है। अब कैसे गलत हो गया बताऊं? देखो, क्योंकि देखो तुमने काउंटिंग कहां से करी, या तो एक मार्क्स लेके आओगे तो 2 लेके आओगे तो 3 लेके आओगे, तो तुम 80 में से 80 लेके आ जाओगे, 79 तो जस्ट एक बार ही आ रहा है, तो एक तो तुमने लिखा वो सही है, लेकिन टोटल पॉसिबिलिटी तुम गलत देख रहे हो। ये भी तो हो सकता है भाई साहब कि आप कुछ लिखे ही ना, पेपर खाली छोड़ दें तो आपको 0 मिलेगा, अंडा। तो 0 को तो आपने गिना ही नहीं, आप तो 1 से लेके 80 देख रहे हो, तो आपको 80 नंबर दिखे, लेकिन 0 नंबर भी तो ला सकते हो आप, कुछ ना लिखा तो 0 भी तो मिलेगा। तो 0 से लेके 80 तक देखो, तब ये एक नंबर बढ़ जाता है, सिर्फ एक नंबर बढ़ेगा, मतलब इसका आंसर 1/81 आएगा। सवाल ऐसे पूछेंगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग 80 मार्क्स इन द पेपर विच इज इन योर हैंड, जो आपके हाथ में पेपर है उसमें 80 में से 80 आने के क्या चांसेस है? तो आपको 80 में से 81 नहीं मारना है, ध्यान रखना 80 कितनी बार आता है? 1 बार, एक टाइम ही आएगा ना, और कितने में से? 81 टाइम में से, 1 से लेके 80 तक हो गया 80, और एक 0 को काउंट करो 81 हो जाएगा, यानी 1/81। 100 मार्क्स के पेपर में भी सवाल आ सकता है। मान लो आपको ऐसे बोला कि क्या चांसेस है कि आप जो है 100 में से 100 नंबर लेके आ जाओ, तो आपको देखना कि 1 से लेके 100 में 100 कितनी बार आया, सिर्फ एक बार, तो ऊपर 1 आ जाएगा, और 1 से लेके 100 में 1 0 ऐड करो कितना होगा? 101, तो नीचे हमेशा एक नंबर बढ़ जाएगा एग्जाम वाले प्रॉब्लम में, ध्यान रखना। तो 1/101 ये आपका तीसरा मॉडल हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपको? चलो, अगर ये बात समझ में आ जाती है तो फिर हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। एक ये बड़ा ही पॉपुलर सवाल आता है आपका, मॉडल 3 मैंने आपको समझा दिया, मॉडल 4 हाँ, एक ये देखो मॉडल 4 बर्थडे प्रॉब्लम है ना। अगर मान लो आपको बोल दिया गया बर्थडे, इसमें भी आता है, जैसे मान लो कि आप और आपके दोस्त दो लोग है ना, अब आप जो है सेम डे पे लॉन्च हुए ना, सेम नहीं नहीं आप मान लो पूरे आपका 365 दिन है एक साल में, आपके पास 365 दिन है, आप अपने मन से सेलेक्ट नहीं, आप अपने मन से सेलेक्ट नहीं कर सकते, आप किसी भी एक दिन मान लो आप आ रहे हो ना, धरती पे आ रहे हो, आपने लैंड करी है ना, लैंडिंग करी आपने, अब बात यह कि वो एक दिन आपने लैंडिंग करी, अब सवाल क्या पूछेंगे, क्या चांसेस है कि तुम्हारा और तुम्हारे दोस्त का जन्मदिन बर्थडे सेम तारीख पे आ जाए? अब समझो, सेम तारीख पे आने का मतलब क्या हुआ कि जिस दिन तुम्हारे फ्रेंड का जन्म हुआ उस दिन तुम्हारा भी होना चाहिए, ठीक है। क्या तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन है? मतलब आज मान लो कि आज जो है आज की तारीख 17 है ना, 17 अगर मान लो किसी का जन्म आज हो रहा है, तुम्हें आज के दिन ही होना है, ठीक है, तो तुम्हारे पास वही एक दिन रहेगा, मतलब टोटल 365 दिन में से अगर सेम बर्थडे का बोल दिया गया, सेम तो सेम बर्थडे में 365 दिन में से तुम्हारे पास सिर्फ वही एक दिन है जिस दिन तुम्हारा दोस्त आया, ठीक है। तो 1/365 इसका आंसर होगा। हाँ, लीप ईयर हुआ तो 366 कर देना। अगर मान लो बोला डिफरेंट बर्थडे, मतलब तुम उस मनहूस दिन पैदा नहीं होना चाहते जिस दिन तुम्हारा दोस्त पैदा होगा, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, केवल वो दिन छोड़ दो, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि नहीं मुझे उस दिन धरती पे नहीं जाना, उसके एक दिन पहले भेज दो, उसके दिन बाद भेज दो, तो वो एक दिन तुम माइनस कर दो, 365 में से एक दिन कम करो कितना हो जाएगा 364, तो तुम्हारे पास 364 दिन रहेंगे 365 में से, केवल वो एक दिन कम हो जाएगा। बात समझ में आ गई? देखो यहां से तुम उस इवेंट को, मैंने स्टेटमेंट कहा था सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट इज इक्वल टू 1, देखो इनको जोड़ दो
देखो वन और 364 घूम के 365 हो जाएंगे और 365 बाय 365 वन आ जाएगा, आ भी रहा है। बात समझ में आ गई? सेम बर्थडे डिफरेंट बर्थडे। तो हमने आज के दिन चार मॉडल कवर कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे अपने कार्ड्स वाले क्वेश्चन की, कार्ड वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, एक वीक में एक मंथ में कितने डेज वाले क्वेश्चन आएंगे ना, वो क्वेश्चन अपने कवर करना है। और एक ना रेड ब्लू बॉल वाले जो क्वेश्चन आते हैं, रेड बॉल है ब्लू बॉल है उसमें से क्या प्रोबेबिलिटी है रेड निकलेगा ब्लू निकलेगा, इस टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। समझ में आ गया? चलो तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही करने वाले हैं। आपको क्या करना है, आपको इसके नोट्स वगैरह बना लेने हैं, नोट्स बना लेना, ठीक है। नोट्स बना के आपको इन सभी चीजों के अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना और कुछ कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। प्रोबेबिलिटी में आपको अभी एनसीईआरटी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फिलहाल आप लेक्चर अटेंड करो, मैं आपको बताऊंगा आपको एनसीईआरटी कब सॉल्व करनी, अभी नहीं करनी, अभी सिर्फ लेक्चर अटेंड करो और एक बार रिवाइज कर लेना कल अटेंड करने से पहले, ठीक है। चले फिर मिलते हैं ना, बाय।